क्या बताऊं मोदी जी, सबसे ज्यादा गन्ना आप ही का पैदा होता है। हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमारा गन्ना इतना पैदा नहीं होता। मैंने और योगी जी ने भरपूर मेहनत की अपने खेत पर। तुम खुद ही देख सकते हो हमारी बैलगाड़ी में कितना थोड़ा थोड़ा सा गन्ना है और तुम्हारी बैलगाड़ी बिल्कुल फुल है गन्ने से। राहुल तुम बेबालतू की तो बातें किया मत करो। तुम बातें ज्यादा कर रहे हो, बैलगाड़ी को हल्के हल्के चला रहे हो, इसीलिए तो अपना शुगर फैक्ट्री तक अभी नहीं पहुंची है, चीनी मिल तक नहीं पहुंची। और तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि मेरी बैलगाड़ी में मेरा और लालू जी का दोनों का मिलकर गन्ना लदा हुआ है, जबकि तुम्हारी और योगी जी की बैलगाड़ी में तुम्हारे अपने खेत का गन्ना लदा हुआ है। तो तुम्हारा कम कम गन्ना है और हम दोनों का गन्ना है। लालू जी के बैल कहीं भाग गए, इसीलिए वो अपना गन्ना भी मेरी बैलगाड़ी पे लाद कर लाए हैं। इससे हमें मोदी जी कोई लेना देना नहीं। तुम अपनी बैलगाड़ी पर कितना भी गन्ना लाद कर लाओ, लेकिन कम से कम अपनी बैलगाड़ी को तो तेज चलाओ, क्योंकि आगे तुम ही बैलगाड़ी को चला रहे हो। जब तुम तेज चलाओगे तभी हम भी तेज चलाएंगे। मैं बीच में फंसा पड़ा हूँ राहुल के और तुम्हारे। चीनी मिल पर लाइन लग गई होगी बैलगाड़ियों की और ट्रक की, जल्द से जल्द पहुँचो। अरे रोको रोको, अपनी बैलगाड़ियों को यहीं पर रोको। अरे अखिलेश सर जी बोलो, क्या बात है, क्या दिक्कत है? अरे तुम अपनी बैलगाड़ियों में गन्ना लेकर एक लाइन से झुंड बना के चलती हो, जिससे रोड पर जाम लग जाता है। अरे अलग अलग चला करो। अरे अखिलेश सर जी अलग अलग कैसे चला करें? हम अपने गन्ने को बैलगाड़ी में एक दिन पहले लाद लेते हैं और सुबह सूरज निकलने से पहले ही पहले बैलगाड़ी लेकर शुगर फैक्ट्री की तरफ चल पड़ते हैं। अरे भाई एक साथ क्यों चलते हो? एक साथ चलने में क्या फायदा है तुम्हारा? अरे सर जी एक साथ चलने में बहुत से फायदे हैं हमारे। अगर हम अकेले बैलगाड़ी लेकर चलेंगे, अगर किसी की बैलगाड़ी में कोई दिक्कत हो गई तो वो अकेला रोड पर पड़ा रहेगा, और जब हम साथ में चलते हैं अगर किसी की बैलगाड़ी में कोई दिक्कत हो गई तो एक दूसरे की सहायता करके बैलगाड़ी को जल्द से जल्द ठीक कर लेते हैं। चलो वो कोई बात नहीं है, आराम से चलते रहो, लेकिन जाम नहीं लगना चाहिए, नहीं तो चालान कट जाएगा आपका। वैसे इस साल गन्ना क्या रेट बिक रहा है आपका चीनी मिल में? बहुत ही भयंकर मद्दा है गन्ने का इस साल, और ऊपर से मेरे बैल भाग गए इस साल, मुझे तो डबल नुकसान हो गया। एक तो गन्ने का रेट भी कम है, ऊपर से मेरे बैल भी भाग गए। वो तो भला हो इन मोदी जी का जो अपनी बैलगाड़ी पर मेरा गन्ना ले आए। बैलों को बेड़ियों को लाए। रोको रोको मोदी जी, साइकिल रोको, अपनी साइकिल रोको रोको। अरे रोक तो ली योगी जी, रोक तो ली। बोलो क्या बात है, क्या बात है? मैं समझ रहा हूँ जो बात तुम कहना चाह रहे हो, समझ तो रहा हूँ मैं। अरे मोदी जी समझ सब रहे हो, लेकिन मेरे पैसे देने का नाम नहीं है। मेरे पैसे कब लौटाओगे तुम? अरे पूरे 6 महीने हो गए तुम्हें पैसे लिए हुए, बताओ कब लौटाओगे? कब तक इंतजार करूं मैं अपने पैसों का? अरे योगी जी मोदी जी क्या बात है, क्या बात है? क्यों बहस कर रहे हो, क्या माजरा है, हमें भी तो बताओ कुछ। और मोदी जी एक मलाई वाली जरा आइसक्रीम दे देना। अरे अखिलेश क्या बताऊं, 6 महीने पहले इन मोदी जी ने मुझसे 250 रुपए उधार लिए थे अपनी आइसक्रीम का धंधा चालू करने के लिए। अब 6 महीने हो गए ये पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे। इन्होंने कहा था 1 महीने में मैं पैसे दे दूंगा जब आइसक्रीम का धंधा मेरा सही चलने लगेगा। इन्होंने आइसक्रीम से कम 1,000 रुपए कमा लिए, लेकिन मेरे पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे। अब योगी जी तुमने कह ली अपनी बात, कह ली। अब मैं बताता हूँ अखिलेश सुनो। अरे मैंने आइसक्रीम का धंधा चालू करने के लिए इनसे 250 रुपए उधार तो लिए थे, लेकिन मेरी आइसक्रीम भी सारी की सारी उधार बटी हुई है, सब लोगों ने उधार ली है। अब मुझे हल्के हल्के पैसे मिलते रहेंगे, इनके चुका दूंगा। इन्हें लग रहा है मैं 1,000 रुपए कमा के बैठ गया। 1,000 रुपए मेरे बिके जरूर हैं, लेकिन वो सब उधार फैला हुआ है। वो देखो सोनिया गांधी जी बैठी हुई है, उनपे भी मेरे 50 रुपए उधार है, वो भी देने का नाम नहीं ले रही है। और अगले मलाई वाली आइसक्रीम तो है नहीं, ऑरेंज वाली है, ऑरेंज वाली लोगे? और राहुल तुम मेरी आइसक्रीम की पेटी के पीछे क्या झांक रहे हो, क्या खोलना चाह रहे हो उसे? हटो हटो पीछे मेरी आइसक्रीम की पेटी के पास से। अरे मोदी जी कच्चे आम वाली एक आइसक्रीम है जो परसों लाए थे तुम, बहुत खट्टी थी, बहुत ही मजेदार, वो ही दे दो अगर है। है तो कच्चे आम वाली आइसक्रीम, लेकिन परसों ही के पैसे नहीं मिले, तुम्हारी मम्मी ने पैसे नहीं दिए। अब मैं तुम्हें और दे के फंस जाऊं उधार, समझे? मैं उधार नहीं दूंगा, सामने देख नहीं रहे हो योगी जी मुझसे उधार मांगने को खड़े हुए खोपड़े पे। अरे मोदी जी कैसी बात करते हो, तुम्हारे 50 रुपए उधार है, तुम्हारे 50 रुपए सोने के हैं, ये 5 रुपए की और दे दो इसे राहुल को, तुम्हारे 55 रुपए हो जाएंगे, दे दूंगी मैं जल्दी।
अरे मोदी जी, तुम यहाँ पर खड़े खड़े अपना धंधा कर रहे हो, आइसक्रीम बेच रहे हो, पैसे कमा रहे हो, मैं यहाँ बेफालतू में खड़ा हूँ? अरे मेरे पैसे को ना दो, आज मैं बिना पैसे लिए नहीं जाऊंगा। योगी जी, कैसी बेतुकी बातें करते हो, अभी तुमने देखा नहीं, सोनिया जी पे मेरा यहाँ पर तुम्हारे ही सामने 50 रुपए उधार है, ऐसे जाने कितने लोगों पे उधार है, इनसे मिलेंगे पैसे, मैं तुम्हारा निपटा दूंगा, दे दूंगा उधार। अरे योगी जी, इतने बेरहम भी मत बनो, इतनी सख्ती से पैसे मत मांगो। तुम्हें ध्यान है, 2 साल पहले तुमने मुझसे पैसे उधार लिए थे, तुमने मुझे वो 1.5 साल में पैसे लौटाए थे, मैंने कोई सख्ती से मांगे थे तुमसे? अरे उनका पैसा फैला हुआ है सब में मोदी जी का, तुमने अभी अपने सामने ही देखा, सोनिया गांधी पे 50 रुपए उधार है उनके, और आज राहुल गांधी ने जो अभी 5 रुपए की आइसक्रीम ली है वो 55 रुपए हो गए, ऐसे जाने कितने उधार है उनके, मिलेंगे वो तुम्हारे, चुका देंगे। और भाई लोगों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। रोक लो राहुल, अपनी साइकिल को यही रोक लो यही पे। धन है भाई राहुल, आप तो धन है बिल्कुल। मेरे बारे में कुछ जानते हो? पता है मैं कौन हूँ? अरे मोदी इंस्पेक्टर जी, आपको कौन नहीं जानता है, आपको तो हर कोई जानता है, इस एरिए के आप इंस्पेक्टर हैं। जब इतना पता है तो इतना भी तुम जानते होगे कि एक मोटरसाइकिल पे जब 3 सवारी होती है तुरंत मैं चालान काट देता हूँ, और वो तो मोटरसाइकिल होती है, जबकि तुम 3 सवारी साइकिल पर बैठे पड़े हो तो तुम्हारी साइकिल का भी चालान काटूंगा। राहुल मैं तुमसे कह रहा था इस एरिए में साइकिल मन लेके चलो, मन लेके चलो, लेकिन तुम नहीं माने, अब देखो मेरी साइकिल का चालान कट जाएगा। अरे मोदी सर जी, हम राहुल को साइकिल चलाना सिखा रहे थे, इसीलिए मैं और योगी जी साइकिल को पकड़ कर चला रहे थे, राहुल गिर ना जाए, क्योंकि वो नया नया साइकिल चलाना सीख रहा है, इसीलिए साइकिल का चालान मत काटो। अखिलेश मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, तुम साइकिल पकड़कर राहुल को साइकिल चलाना सिखा रहे थे, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ तुम दोनों लोग पीछे साइकिल पे बैठे हुए हो, तुम्हारी साइकिल का चालान तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि 3 लोग बैठे हुए हो साइकिल पे। लेकिन मोदी जी एक बात तो बताओ, इस साइकिल के चालान पर कितना पैसा पड़ेगा? 100-200 रुपए पड़ेंगे क्यों मोदी सर जी? योगी जी साइकिल पर सबसे बड़ा चालान है, 1000 रुपए का चालान कटेगा। मोदी जी 1000 रुपए का चालान, 1000 रुपए का तो चालान बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो मुझे क्या 1000 रुपए का अगर साइकिल का चालान कटेगा, ये पैसा तो राहुल ही देगा, क्योंकि राहुल ही मेरी साइकिल को इस एरिया की तरफ लाया है, हम तो मना कर रहे थे इधर लाने को। अरे अखिलेश, इस साइकिल के चालान का पैसा मैं क्यों भरूंगा? साइकिल तुम्हारी है, इस साइकिल का पैसा तुम ही भरोगे चालान का? अरे पूरा पूरा दिन मजे भी तो तुम ही लेते हो, पीछे साइकिल पर बैठ जाते हो और मैं साइकिल को खींचता हूँ चलाता हूँ, तुम दोनों में से एक भी साइकिल नहीं चलाता है। मुझे कोई मतलब नहीं, मैं साइकिल का चालान काट रहा हूँ, चाहे साइकिल के चालान का पैसा राहुल दे या अखिलेश दे, जब तक इस साइकिल का पैसा तुम जमा नहीं कर दोगे तब तक इस साइकिल को मैं अपने पास जमा कर रहूंगा। वैसे राहुल अखिलेश कौन सी मनुष्य घड़ी थी जो इस तरफ साइकिल अपना लोगों ने घुमा दी? अब बताओ 1000 रुपए का दंड पड़ेगा अपना लोगों पे, ऐसा करते तीनों लोग बराबर बराबर पैसे दे देते 333-333 रुपए। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल अपने ठेले को तेजी से चलाओ, तेजी से कैसे हल्के हल्के चला रहे हो, कम से कम मुझे तो निकलने दो। अरे मोदी जी एक बात समझ में नहीं आती है, आप मुझसे ज्यादा मटके साइकिल पर लाद कर कैसे इतनी तेजी से चल लेती हो? मैंने तो इतना महंगा ठेला ले रखा है फिर भी इतने मटके नहीं लाद पाता मैं अपने ठेले पर, तुम अपनी साइकिल पर मेरे ठेले से ज्यादा मटके रख लेती हो और मुझसे तेज भी चलती हो। अब देखो मुझे रास्ता देना पड़ रहा है, तुम आगे निकल जाओगे मुझसे। राहुल मटके रखने का तरीका होना चाहिए साइकिल पर, क्या मैं अपने सर पर भी इससे ज्यादा मटके रख सकता हूँ? और एक बात मैं तुम्हें साफ साफ कह देना चाहता हूँ, आज तुम मटके उस गांव में बेचने के लिए मत जाना जिस गांव में मैं जाऊँ। देखो भाई मोदी जी, साफ साफ कह देता हूँ, अपना मटका मजदूर है, मटके बनाकर गांव-गांव जाकर बेचते हैं। अब मैं किस गांव में कब निकल जाऊं ये मुझे पता थोड़ी है। अब तुम बताओ तुम कौन से गांव में जाओगे बेचने के लिए मटके? मैं तो फिलहाल बराबर वाले गांव में जा रहा हूं, लेकिन वहां बात को बेचूंगा, पहले ये देखो अखिलेश और योगी जी आ गए। अरे मोदी जी अभी सही से सर्दी गई भी नहीं और मटके अभी से बेचने लगे आप। आपसे मैंने पिछले साल एक मटका खरीदा था, उसमें अगर पानी रख दो गर्मी में सुबह भरकर तो शाम तक ठंडा रहता है, बहुत अच्छे मटके बेचती हो आप, लेकिन वो मटका फूट गया। अरे अखिलेश मटका फूट गया तो हम किस लिए नया मटका दे देते हैं तुम्हें? चलो बिक्री की शुरुआत तुम्ही से कर देते हैं, एक मटका दे दूं? अरे अखिलेश एक मटका हमसे भी लेके देखो, मोदी जी से ज्यादा ठंडा पानी ना रहे हमारे मटके में तो कहना।
अच्छा राहुल, तुम मटका कितने का बेच रहे हो? तुम अपने मटके का रेट बताना। सिर्फ 50 रुपए का एक मटका योगी जी, ले लो मेरा मटका। और मोदी जी, तुम कितने का बेच रहे हो अपना मटका? मैं योगी जी 60 रुपए का एक मटका बेच रहा हूँ, 60 रुपए का। अरे मोदी जी, तुम 10 रुपए महंगा क्यों बेच रहे हो अपने मटके को? राहुल 50 का बेच रहा है, तुम 60 का बता रहे हो। योगी जी 50 रुपए का तो मटका हम भी देना जानते हैं, हम भी दे देंगे, लेकिन इतना बड़ा होगा जितना बड़ा राहुल का है। मेरे मटके बड़े बड़े हैं, देखो कितना बड़ा मटका है मेरा। राहुल का मटका छोटा है, उसमें कम पानी आएगा, मेरे मटके में ज्यादा पानी आएगा। ये बात तो है योगी जी, मोदी जी का मटका थोड़ा बड़ा है और राहुल का थोड़ा छोटा मटका है। मोदी जी, मैं मटका आपसे खरीदूंगा, लेकिन थोड़ी सर्दी कम हो जाए गर्मी में खरीदूंगा। अभी तो अगर लेके रख लो फूट सकता है। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।